subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. विधायक मंदा मात्रे के माध्यम से वासी सेक्टर 9 में आयोजित निशुल्क सामान्य स्वास्थ्य शिविर। लोक सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मंदा मात्रे। नवी मुंबई बेलापुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मंदा मात्रे ने वाशी सेक्टर 9 के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क वाशी नवी मुंबई में निशुल्क सामान्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर को नागरिकों से सहज प्रतिक्रिया मिली है और कुल 738 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। मुफ्त में आरोग्य शिविर भाजपा महासचिव एवं बेलापुर विधानसभा संयोजक नीलेश मात्रे, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास साठे, वरिष्ठ समाज सेवक जेम्स अवारे के नियोजन में संपन्न किया गया। लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई चैंपियंस और मयूरेश अस्पताल तुर्वे का मुफ्त सामान्य स्वास्थ्य शिविर में सहयोग रहा। महारोग्य शिविर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श इत्यादि बीमारियों की जाँच, निःशुल्क दवाइयाँ, डावर च्यवनप्राश एवं निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। इस मौके पर भाजपा महासचिव एवं बेलापुर विधानसभा संयोजक नीलेश मात्रे, नवी मुंबई के शिवसेना संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री विकास साठे, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स अवारे और कई डॉक्टर और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। इस समय विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि यह शिविर से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वे पिछले 28 साल से निशुल्क महारोग्य शिविर का आयोजन कर रही हैं। अभी ये वाशी नगर में 14 शिविर है और इसमें हम लोग ने अभी ये अंबेडकर गार्डन और सेक्टर 9 में यहाँ पर या नगर सेवक किशोर पाटकर जी और हमारे विकास सोते हैं सब बच्चे लोगों ने मिलकर यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस शिविर मुफ्त शिविर करके हम लोग ये जो सीनियर सिटीजन है इसको हम आपको मालूम है सब सुविधा देते हैं। तो भी अभी बारिश होने वाले हैं, बारिश में कौन से डेंगू मलेरिया ऐसे बहुत सारे फैलाव होता है और इसके लिए ये शिविर होना बहुत ज़रूरी है और आज हमने इधर लिया। आप लोगों का रिस्पॉन्स 2 बजे तक आप देखोगे। गए टाइम में हम लोग ने जब भी सेक्टर 1 में लिया तो 3:30 बज गए, फिर भी पब्लिक आ ही रही थी। जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है लोग जाके बताते हैं वैसे वैसे पब्लिक आती है और हम यहाँ पर मुफ्त में चश्मे है, च्यवनप्राश है, दवाइयाँ है, सिरप है, गोलियाँ है और हम लोग पूरे हड्डी की भी चेकिंग करते हैं कि उसके अंदर कितना कैल्शियम है, कैल्शियम की भी दवाई देते हैं, पूरे 1 महीने की दवाई देते हैं। अगर ऑपरेशन करना है आँखों का बोलो, कुछ भी ऑपरेशन है हाड़ का बोलो, तो वो हम फ्री करा के देने के लिए मयूरेश हॉस्पिटल है, लायनस क्लब है, उसके माध्यम से फ्री उनके ऑपरेशन। अभी जिधर भी 4 कैंप हुए उधर आँखों के ऑपरेशन अभी अभी हो गए और यहाँ का भी होगा, वो भी हम करेंगे। जिसको भी लाभ उठाना है आपके माध्यम से वो उठाना चाहते हैं। नहीं, मैंने तो ये व्रत ही लिया है, जब से मैं 95 से चुन गई तब से मैं अलग अलग जगह पे ये शिविर ऐसे मुफ्त शिविर आयोजित करती हूँ जिसको ज्येष्ठ नागरिक है उसको फ़ायदा होता है क्योंकि उनके चश्मे टूटे रहते हैं, घर में कमाने वाला नहीं। कोविड काल में आपने देखा कितनी मुश्किल हो गई, लोगों के बिजनेस चले गए, बच्चों के पास मांग नहीं सकते, उनकी नौकरियाँ नहीं, तो ये शिविर लेके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है और मैं करना चाहती हूँ कि मुफ्त ऑपरेशन जितने भी हैं मेरे पास आए उनके लिए मैं ऑपरेशन के लिए हेल्प करती हूँ और गवर्नमेंट से भी कैंसर के लिए भी पेशेंट के लिए हेल्प करती हूँ। नवी मुंबई शिवसेना संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर ने मंदा मात्रे के कार्यों की प्रशंसा की। देखो, मंदा ताई का काम करने का तरीका ही कुछ अलग है, वो हमेशा ये सोच के काम करती है कि कैसे मेरे हाथ से गरीबों की सेवा हो और कोई बीच में नहीं आए। काकी मंदा ताई डायरेक्ट लोगों को मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी हाथों से उनकी डायरेक्ट सेवा हो। ये उनका 4th कैम्प है और इससे हमारी इधर के वाशी विभाग के लोगों को काफ़ी दिलासा मिल रहा है और विशेष बात ये है कि इधर के जो पहले के विधायक बने थे वो तो कभी दिखते भी नहीं थे, कभी मिलते भी नहीं थे, बट आप मंदा काकी ताई, अभी मुझे काकी बोलने को मना ही थे, मंदा ताई जब से इधर के आमदार बनी है
सीधा लोकाभिमुख कार्यक्रम चल रहे हैं, वो लोगों की सेवा कर रही है, वो कैंप रख रही है, वो ब्लड डोनेशन रख रही है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है लोगों से। लोगों को ऐसा लगता है ये अपनी माँ है, ये अपनी घर की कोई सदस्य है और उनके प्यार में इधर के सब लोग उपस्थित होते हैं। अभी आगे काफ़ी बिल्डिंगें टूट गई, नहीं तो इधर अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता। बट ताई के हाथ से ऐसे गोर गरीब जनता की सेवा हो रही है, मैं ताई को बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगा ऐसे मौके पर। लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई चैंपियन की ओर से सबसे पहले मंदाताई मात्रे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमें मौका देते हैं उनके सामाजिक कार्यों में सहभागी होने का। हम लोग काम करते हैं मयूरेश हॉस्पिटल के साथ में। मयूरेश हॉस्पिटल तुरबे में स्थित है और यहाँ पर सभी OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स अवेलेबल हैं। कैंप के अंदर हम लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बोन डेंसिटी वगैरह सब चेक करवाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, इलाज किया जाता है, जहाँ पर मुफ्त इलाज रहेगा अगर सरकारी योजना में कोई भी है तो। और वेल सेटल्ड, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है मयूरेश हॉस्पिटल, तो कोई भी उससे कनेक्ट होकर के सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। ताईंचं, मंदा ताईंचं मी खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इतका चांगला कॅम्प घेण्यासाठी मदत केली आहे आणि या कॅम्पला खूप चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसादसुद्धा मिळतो आहे। मयूरेश हॉस्पिटलमार्फत आम्ही महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पिवळ्या किंवा केशरी रेशन कार्ड धारकांना ज्यांचे आर्थिक दुर्बल आहेत त्या पेशंटसाठी आम्ही मोफत सर्जरीज आणि मेडिकल ट्रीटमेंट आम्ही प्रोव्हाइड करतो। यामध्ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, युरोलॉजी, किडनी स्टोन, NICU, डायलिसिस, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज या सगळ्यांचा समावेश आहे। या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा ही मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो आणि मी पुन्हा एकदा ताईंचे आभार मानतो की त्यांनी जनजागृतीसाठी एवढे कष्ट घेत आहेत आणि आम्हाला हा कॅम्प घेण्याची संधी देत आहेत। शिबिराबद्दल सर्वांचं फार महत्त्वाचं म्हणजे मंदताई विजय माते यांचं मोल आहे आणि हे शिबिर ठेवल्या माझ्यासाठी म्हणजे मी बोर्ड वाटलं तेव्हा मला काय समजलं हे डोळ्यांसाठी खास आहे, त्यासाठी मी न बघता कुठे न काम करता न करता मी इथे आलो आणि मी तो त्याचा मोबदला मी घेतला, चांगला मोबदला घेतला। त्याच्यानंतर माझं ब्लड प्रेशर म्हणजे BP बी चेक केला, BP-सुद्धा मी चेक केला, ब्लड प्रेशर चेक केला, अजून माझ्या पुष्कळ गोष्टी व्हायच्या आहेत आणि सर्व मंदमतांनी आणि सर्व सहकार्य केलं आहे त्यांचे मी भरपूर आभार मानतो आणि खूप धन्यवाद देतो। व्यवस्था म्हणजे एकदम सिस्टममध्ये चाललेलं आहे, पद्धतशीर चाललेलं आहे, त्यामध्ये प्रश्नच नाही आहे। किशोर पाटकर साहेब आणि मंदा मात्रे मॅडम आमदार यांनी जे केलेलं भरीव काम आहे हे सर्वात सुंदर आहे। आमच्यासारख्या एज झालेल्या माणसांना हे फुकट आणि मोफत सर्वात सुंदर गोष्ट आहे। मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन करने के पीछे मंदा मात्रे का उद्देश्य है कि वाशी के नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिले और निशुल्क दवाइयां मिले और शिविर से बड़ी संख्या में आम नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं लाभान्वित हो। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश बावर के साथ तनु यादव, आवाज टुडे, वाशी, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।